नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनकी ट्रेन से सफर करने की तस्वीर और वीडियो सामने आई है। ट्रेन में वह आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि राहुल गांधी बिलासपुर से रायपुर जा रहे हैं। उन्होंने जननायक लिखकर संबोधित किया। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एक वीडियो पोस्ट की गई है, उसमें राहुल गांधी ट्रेन की स्लीपर क्लास बोगी में यात्रियों के बीच नजर आ रहे हैं। वह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल फोन से उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार को बिलासपुर जिले तखतपुर विकास खंड के पसंदा गांव में राज्य सरकार के आवास न्याय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद वे बिलासपुर स्टेशन पहुंचे और रायपुर जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पार्टी के प्रदेश प्रमुख दीपक वैज और अन्य नेता भी ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। शेड्यूल के मुताबिक जिस ट्रेन से राहुल गांधी रवाना हुए उसका रायपुर पहुंचने का समय 5:45 बजे का था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन भी किया था और राहुल गांधी भी लगातार यहां पर जनता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए खासा जरूरी है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।